अरे सर टेंशन मत लो यार, आपका म्यूजिक बन चुका है। मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ रेडी है, आपको परसों मिल जाएगा ट्रैक। हाँ हाँ इट्स ओके। जी जी अच्छा लिसन, डिड यू सी दिस न्यू सॉन्ग ऑफ मेरे भोलेनाथ? इट्स नाइस यार। कौन सा वाला? EDM स्टाइल में है। वो आप ही के लिए होगा। आपको क्या पता यार आजकल की म्यूजिक के बारे में, कि दुनिया क्या सुनती है। एनीवेज सेंड मी द लिंक, आई विल चेक इट लेटर। हाँ हाँ भेजता हूँ। सारा दिन टाइम ही कहाँ मिलता है यार इन सब चीजों के लिए। अच्छा सुनो, नंगली साहब का क्या हुआ यार? निकालता हूँ टाइम यार, तुम्हें पता है यार स्टूडियो का वर्क कितना पेंडिंग पड़ा है, और सब मुझे कॉल कर करके बार बार बोल रहे हैं यार। लेट्स सी क्या बनता है। जी आई रियली वांट टू गो टू नंगली साहिब दिस टाइम यार, अगर आपका बनता है तो प्लीज मुझे बता दो, आई विल गो अलोन। बेटर है, कुछ दिन आराम मिलेगा। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं यार। अच्छा सुनो। सुनाओ। बबी आंटी बहुत छुट्टी लेते हैं यार, आज फिर से नहीं आए। सारे बर्तन मुझे खुद से साफ करने पड़े यार, फिर आप बोलोगे कि मैं खाना लेट बना रही हूँ। ये देखो पिछले एक मंथ में उनकी 4 छुट्टियाँ हो चुकी हैं यार। आप उन्हें कॉल करो प्लीज और बोलो कल से मत आना। यार अब ये सब तो मुझसे मत करवाओ, वहाँ स्टूडियो में इतना वर्क और यहाँ तुम ये सब। रिमेम्बर हमने डिसाइड किया था, दैट विल बी द गुड कॉप एंड यू विल बी द बैड वन, सो प्लीज डू इट। अच्छा ठीक है, देखता हूँ अगर टाइम मिलेगा तो। ओ नो यार मैं तो लेट हो गया। अच्छा ऐसे करो मेरे को प्रसादम दे दो फटाफट से। जी अभी तो 9:30 हैं, आपको तो 10 बजे आना था। हाँ यार कुछ काम है, सोचा जल्दी चला जाऊँ। पहले बताना चाहिए था ना यार। सॉरी यार। भोग लगा दो, वैसे सब कुछ रेडी है यार। यार शॉर्टकट मार लेना। अब शॉर्टकट कौन सा होता है यार? वही श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः। सिर्फ 10 मिनट का काम तो था जी। नहीं है यार मेरे पास 10 मिनट। जी आप तो लेट हो रहे थे, इतनी देर से आप लैपटॉप में बैठे हो, इतनी देर में तो हम गुरु महाराज जी को भोग भी लगा देते। शॉर्टकट ऑफ लाइन। बात है भोग लगाने पर, मंदिरों में गुरुद्वारों में जहाँ भी देव विग्रह स्थापित होते हैं उनकी पूजा होती है और उनको भोग वगैरह लगाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। इस पर कुछ लोग सोचते हैं कि क्या भगवान खाता है? अरे भगवान ही खाता है, दूसरा तो कोई खाता ही नहीं। जब तक उस परमपिता परमात्मा की ज्योत अंदर रहती है तभी तक भूख लगती है, प्यास लगती है, दुख सुख सब कुछ होता है। जब वो उसकी ज्योत जिसे आत्मा कहते हैं वो निकल जाता है, ना किसी को भूख लगती ना प्यास लगती है ना कुछ होता है, कोई भी खाता है वही जहाँ कुछ करता है। तो इसलिए भोग लगाने से क्या होता है, मन पवित्र होता है, अन्न शुद्ध होता है। कहते हैं जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। कैसा लगा आपको हमारा ये नया वीडियो? हमने इस वीडियो में आपको ये दर्शाया है कि जो भी हमारी न्यू जनरेशन है आजकल की इन गैजेट्स के चक्कर में, कभी लैपटॉप की रिंगटोन, कभी मोबाइल फोन की रिंगटोन, इस चक्कर में हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्कुल ही भूल चुके हैं।
सो हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपने इन गैजेट के चक्कर में आकर के अपने भगवान, अपने इष्ट देव, अपने बुजुर्गों के जो भी बताए हुए रास्ते हैं उसको कभी ना भूलें। अगर आपको लगता है जो हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, हमारे भगवान जी हैं, जो भोग हम उनको लगाते हैं वो उसे ग्रहण नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। जो हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, हमारे भगवान जी हैं, जो भी भोग हम उन्हें लगाते हैं वो उसे जरूर ग्रहण करते हैं। और आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए कोई आइडियाज है या किसी चीज पे आप बनवाना चाहते हैं तो हमारे साथ अपने आइडियाज शेयर कीजिए। अगर किसी का भी आइडिया हमें दिल को लगा, अच्छा लगा, तो हम उसके ऊपर जरूर शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मैं भोग लगा के आता हूँ। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सच्चिदानंद।